बहुत अधिक हासिल हो जाएगा। मतलब अच्छा 21 महालक्ष्य हैं और 5 मौलिक अधिकार हैं। तो जिनकी आप अच्छा बातें कर रहे हैं वो आम को, आम व्यक्ति को मौलिक अधिकार के बतौर मिल जाएगी और अच्छा उसके ठीक लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। है मतलब उसके लिए जो है आपको प्रयास नहीं करना होगा, बहुत संस्थागत अच्छा प्रयास होंगे और उन ठीक है संस्थागत प्रयासों में भारत सरकार का भी पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा जी इन चीजों के निर्माण को और इन सब चीजों को जो संगठनों से लेके, बिल्डिंग से लेके, उपकरण से लेके, लोगों की ट्रेनिंग से लेके, लोगों को 5 मौलिक अधिकार जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार, अच्छा जी स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, मतलब स्वास्थ्य यहाँ मौलिक अधिकार हो गया है, जहां पर एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, अच्छा जहां पर इंस्ट्रक्टर पहुंचेंगे, आपको प्राणायाम योगा कराएंगे, जिसको जो रुचि है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए, जहां पर जो है धार्मिक अनुष्ठान से लेके सब चीजें, जिससे आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी इम्प्रूव हो सके वो भी रहेगा। उसमें जो है आपका बात पित्त कफ भी लिया जाएगा, तो अकेला ब्लड प्रेशर और वो छोटी मोटी चीजों की जो ब्लड प्रोफाइल्स होती है, किडनी प्रोफाइल होती है, उस तक अकेला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बात पित्त कफ को भी वो कैप्चर करेगा। और हर जगह पे एक वॉलंटियर होगा, गांव में एक वॉलंटियर या मोहल्ले वाइज वॉलंटियर्स, राइट, वो जाएंगे और उन्हें जो है वो आपकी जो भी जांच वांच पड़ताल करना है उसको सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी उस वॉलंटियर की होगी। और ये उनको उन लोगों के भी मिलेगा जिनके खीसे में एक पैसा नहीं है, और कोई भी चीज फ्री में नहीं। मतलब जब तक आपके खीसे में पैसा नहीं है, हमने हर भारतीय को एक ऐसा अकाउंट दे के रखा है जो कामधेनु गाय जैसा, जब आपको जरूरत है उससे आपको पैसा मिल जाएगा, राइट। तो हर भारतीय के दो अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है और आपको कुछ भी भुगतान करना है, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, ट्रेनिंग से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, खान पीन से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, प्रॉस्पर्टी या हैप्पीनेस से संबंधित हो, आपको उस खाते से पैसा मिल जाएगा और जब आपके अर्निंग अकाउंट में आएगा तो वो पट जाएगा। अच्छा, आप अज्यूम करिए कि आपके अर्निंग अकाउंट में कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि आपने उसके लिए समुचित प्रयास नहीं किए, तो सिस्टम आपके पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि महेश बंसल जी, आप कुछ कष्ट में दिख रहे हैं, हम आपका कष्ट निवारण करना चाहते हैं, तो हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, आप हमें कब समय देंगे। अच्छा, तो वो आपसे पूछ के आपके समय पे आपके घर जाएगा और आपको समझेगा कि आप कमा क्यों नहीं पा रहे हो। अच्छा, तो आपकी सोच क्या है, चिंतन क्या है, शिक्षा क्या है, आपकी हुनर क्या है, और आपके कंसल्टेशन में वो तय करेगा कि आपकी आगे की यात्रा क्या हो सकती है। अच्छा, उस यात्रा के अनुसार आपको वो आपको शिक्षा देगा, हुनर देगा, टूल्स देगा, इक्विपमेंट्स देगा, और जैसा मैंने पहले बताया है कि इस सिस्टम में कोई भी चीज फ्री में नहीं है और आपके खीसे में पैसा नहीं है, तो वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पर लोड कर दी जाएगी और आपको समर्थ बनाया जाएगा कि जब आपके पास समृद्धि आ जाए तो उसे पे कर दो। मुफ्त में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, राइट। तो वो जो है आपको, जैसे ज़ूम करिए कि उसने एक ऐसा उपकरण में, आपने आपकी इच्छा से उसने ऐसे उपकरण में, ऐसे इक्विपमेंट में, ऐसी मशीनरी में आपको ट्रेन किया जो आपकी इच्छा थी। अब उस मशीन को चलाने के लिए दो असिस्टेंट चाहिए, कुछ ये चाहिए, कुछ वो चाहिए, 4-5 लोग चाहिए मान लीजिए, तो सिस्टम आपको वो 4 अतिरिक्त लोग भी देगा जो उस मशीन को चलाने के लिए आवश्यक है, और आपकी टीम को हुनर देगा, आपको अभ्यास कराया जाएगा, उसमें एक्सेल कराया जाएगा, और फिर आपको वो सर्टिफिकेट देगा, और सर्टिफिकेट देके आपको कहीं जाके रोजगार नहीं मांगना है। बैकएंड टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि वो आपसे किस राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कराना चाहता है। आप वहां पे पहुंचेंगे, राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। अच्छा, राइट, और उसी से आपको भुगतान होगा।
तो आप बताओ, आपको ये 5 मौलिक अधिकार देने के लिए भारत शासन के खजाने पे 1 पैसे का भी बोझ आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और 21 फंडामेंटल राइट में ये आपको एक महापरिवर्तित भारत देगा। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने तो आपके ऊपर कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है? लॉर्डशिप वाली जो अंग्रेजों ने बनाई थी, लॉर्डशिप वाली, बिल्कुल सही बात। और जो उस प्रशासनिक व्यवस्था उन्हीं घटिया नियम कानून से बंधी हुई है जो लॉर्ड अंग्रेजों ने बनाए थे, बिल्कुल सही। आज कनिष्ठ जो है शासकीय सेवक दबा हुआ है, उसको मालूम है कि उसके ऊपर वाला गड़बड़ कर रहा है, उसका मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुंह खोलेगा तो सस्पेंड हो जाएगा, केस रजिस्टर हो जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब आप ये बताइए, यदि उस कंडक्ट रूल को रिवाइज कर दिया जाए और उसमें कहा जाए कि आप राष्ट्रीय काम करेंगे, यदि आपके ऊपर वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आप उसी अधिकारी को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है कि हमने आपके जो है ना इस आदेश का विवेचन किया और मेरा ये मत है, तो इन तथ्यों के आधार पर क्या आप अपने आदेश को रिव्यू करना चाहेंगे? अब यदि मान लो आपने कहा कि नहीं, मैं साला बॉस हूं, तुम कौन होते हो, राइट, तो आप उसको अधिकार होगा वो निर्णय लेने का, राइट। आपको एज ए कनिष्ठ जो है अब उस आदेश को पालन करना पड़ेगा रिव्यू के बाद, फिर आपके पास कोई इफ एंड बट नहीं है, राइट। और वो आदेश एक कमीशन के पास चला जाएगा, कमीशन एग्जामिन करेगी कि उस व्यक्ति ने सही निर्णय लिया है कि नहीं लिया है। अब यदि उसने गलत निर्णय लिया है तो इस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने रिप्रेजेंटेशन लिखा है, और उसको दंड मिलेगा जिसने जो है ना गलत निर्णय लिया है। उसकी ACR में भी, उसके आकलन में भी लिखा जाएगा कि ये दुष्ट आदमी है, सही बात को सुनता भी नहीं है, मतलब इसे इतना विवेक भी नहीं है कि नीचे वाला पका के दे रहा है तो उसे सुठी ढंग से समझ ले, तो इसे तो डिमोट कर दिया जाए और उसे लाखों में हर्जाना देना होगा। ठीक है, अभी जो है आपके दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जो नए 3 कानून बने हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। बताइए, आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया क्या? नहीं, सही भी नहीं आई। क्या आपको पुलिस जो ना सम्मान करने लगी है क्या? नहीं सर, कोई। क्या आप थाने में जाते हैं तो सुनवाई होती है क्या? नहीं होती है, क्या क्या बढ़ाई है। क्या पुलिस जो है ना ठीक ढंग से विवेचना करती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पुलिस जो है ना बाहुबलियों और राजनेताओं के कहने पर आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम नहीं कर रही है? बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये बताइए, वो आपको जो है एक व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, वो 8-10 लोगों को फंसा के आपके ऊपर अत्याचार करती है और आपके ऊपर दबाव बनाती है आपकी जमीन और आपकी संपत्ति पे कब्जा करने के लिए? कब्जा करने की, सही बात है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। तो यदि नियम कानून बदल जाएंगे तो ये नियम कानून तो ये राजनेता बदलेंगे नहीं। अरे, जिन दुष्टों ने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए, वो आपको अच्छा देश क्या देंगे, अच्छा कानून क्या देंगे, अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था क्या देंगे? इन राजनेताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत लोगों का चयन किया। कहने को तो ये बहुत अच्छे शब्द का उपयोग करते हैं, विनेबिलिटी, लेकिन विनेबिलिटी का आकलन कैसे करते हैं? नंबर 1, वो दुष्ट होना चाहिए। नंबर 2, वो बाहुबली होना चाहिए। नंबर 3, वो धनबली होना चाहिए। नंबर 4, वो अपराधी होना चाहिए। तो ये विनेबिलिटी के फार्मूले के आधार पर दुष्ट लोगों को आपके ऊपर थोपते हैं, उनसे करोड़ों रुपए लेके उन्हें टिकट देते हैं और फिर उन्हें से कहते हैं कि तुम जो है ना गरीबों को दारू बांटो, साड़ी बांटो, पैसों बांटो, और जिन लोगों के आप वोट खरीदो ये दुष्ट उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर और घटिया लोग हैं। बिल्कुल सही बात। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जिन दुष्ट राजनेताओं ने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए, जिन्होंने आपकी प्रशासनिक व्यवस्था और कानून वही बना के रखे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, ये दुष्ट राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे? सही बात है। नहीं देंगे या नहीं देंगे? नहीं दे सकते। तो ये एक ही परिस्थिति में आपको अच्छा भारत दे सकते हैं, यदि महेश बंसल जी आप इनके ऊपर दबाव बना सके। अच्छा, और वो दबाव बनाने के लिए सत्यनारायण कथा ईजाद की गई है और सत्यनारायण ने कहा है कि हे दुष्ट राजनेताओं, तुम जो है ना चेत जाओ, समझ जाओ, यदि तुम चेत गए, समझ गए और छोटे से उपाय जो हम बता रहे हैं उसे यदि आप कर लेंगे
तो 240 से 500 पार कर जाएंगे। अच्छा, अन्यथा समस्त राजनीतिक पार्टियों के समस्त राजनेताओं का मेरे श्राप से विनाश हो जाएगा। हाँ, वाह जी वाह।